चक्रपाणी जी, आप लगातार इसके पक्ष में हैं। देखिए, मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं, सभी लोग इसके पक्ष में, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, चाहे वो धाम को लेकर हो, चाहे वो नाम को लेकर हो, चाहे वो रेप्लिका को लेकर हो, लेकिन खुद रौतेला जी अब इस बात को मान चुके, अभी माफी भी मांग रहे थे कि अगर भावनाएं किसी की आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। क्या समझ में आता है? नहीं, देखिए, दिल्ली जो है देश की राजधानी है और यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड के काफी भाई बहन यहाँ पे रहते हैं, एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से और पूरे देश और विश्व के लोगों की आस्था भगवान केदारनाथ जी में है, तो देश की राजधानी दिल्ली में अगर उनके नाम पे मंदिर बनता है, निश्चित रूप से उनको यहाँ पे भक्त है तो उनको उनको दर्शन का लाभ मिलेगा, पूजन का लाभ मिलेगा, और इससे और जो आदि केदारनाथ भगवान है उसकी और महत्ता बढ़ेगी, जो और एक सुलभ हो जाएगा भक्तों के लिए कि जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, चाहे शारीरिक रूप से अक्षम है, तो वो देश की राजधानी दिल्ली में आकर के दर्शन करेंगे, तो हमें लगता है इससे तो और पुण्य का काम है मंदिर बनाना, तो हमें लगता है कि वो करना चाहिए। बाकी जो जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जो विद्वत जन विरोध कर रहे हैं, तो उसकी बातों को सिर्फ ध्यान रख करके और उसकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे हमारे स्वामी दर्शन भारती जी महाराज कह रहे हैं कि धाम नहीं होना चाहिए, चाहे जो नहीं होना चाहिए, उस पर बैठ करके चर्चा की जा सकती है, लेकिन देखो मंदिर बनना तो अपने आप में, और भगवान केदारनाथ जी के नाम पे मंदिर बनना, इससे बड़ा ये दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में बनना, इससे बड़ा पवित्र और पुण्य कार्य नहीं हो सकता। इसमें तो हर व्यक्ति को सहयोग समर्थन करना चाहिए ठीक है, और मंदिर का विरोध तो है, विवाद है। एक आखिरी कमेंट रौतेला जी आपसे लेना चाहूंगी, मैं समझ सकती हूँ आपने कहा कि आपको भी जाना है, जल्दी है, लेकिन एक आखिरी कमेंट आपसे। अब देखिए, विरोध के स्वर क्या हैं, किस तरीके से विरोध हो रहा है और किन किन बातों को लेकर विरोध हो रहा है, वो अभी तक इस चर्चा में स्पष्ट हो चुका है। अब इसके बाद चक्रपाणी जी की बात भी सही है कि मिल बैठकर अगर आप बातचीत करेंगे तो मामले का कोई हल निकल सकता है। मंदिर बनाना गलत बात नहीं है, अगर आप वहां पर मंदिर बना रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो किस तरीके से अब आगे आप इस मंदिर को बना रहे हैं? देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो जो लोग मेरे संज्ञान में आए उनके माध्यम से, जिन्होंने जो बातें पूछी उस माध्यम से, कहीं पे मुझे लगा कि यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, धर्म गुरुओं को दुख पहुंचा हो या हमारे संत पुरोहितों को दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूँ। बाकी हम केदारनाथ का धाम नहीं बना रहे हैं, केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं, और जो दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बनेगा और बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, और यहाँ पे लोग, श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आएंगे और उनकी मनोकामना पूरी होगी। और मैं सभी को इस आज पावन पर्व, जो आज से एक ये सावन का महीना शुरू हुआ है, बाबा केदारनाथ से आज प्रार्थना करूंगा कि सभी लोगों को आशीर्वाद दें और सब लोग इस मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करें, और दोबारा से जय श्री केदार। चलिए भारती जी, आखिरी कमेंट है आपका, आपने सुन लिया रौतेला जी ने क्या कहा है। ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूँ। रौतेला जी 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 सर, ये शुक्रिया काम रौतेला करना जी। ना रौतेला जी, चलो उनके कोई अपने उनके कोई बात नहीं, पर आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता को, महान सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों से ये बिल्कुल विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि केदारनाथ मुक्ति का मार्ग है, हिमालय पे है, शिवलोक पे है, और हिमालय दिल्ली में कैसे हो सकता है, पहले तो रौतेला जी को ये बताना पड़ेगा। वो ज्योतिर्लिंग है, नहीं, उस बात ज्योतिर्लिंग को वो को स्पष्ट कहीं कर से चुके भी, हैं ना कि आप बिल्कुल ज्योतिर्लिंग को बिल्कुल, बिल्कुल भी कहीं भी रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर ये केवल मंदिर बन रहा है। तो मंदिर बनाए, मैं भगवान शिव का मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है, हर हर महादेव हो जाए, पूरा देश हर हर महादेव करेगा, ठीक तो है हमें तो बहुत खुशी होगी। ठीक है, आखिरी कमेंट परंतु अभी अजय गौतम जी से। अजय गौतम जी। के जैसा आपने अपने विजुअल में दिखाया, विजुअल में जो पोस्टर लगाया वो अपने आप में ही स्पष्ट है कि इनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने कहा केदारनाथ दिल्ली धाम, धाम शब्द तो जुड़ा ही रखा है, यानी कि केदारनाथ का जो वहां है, केदारनाथ में जो धाम है उसमें दिल्ली धाम है, ये यानी उसकी फ्रेंचाइजी है, ये उसकी ब्रांच खोलने नहीं, दरअसल। वही वही बात अजय जी हो रही थी ना कि खोलेंगे आपत्तियां इतनी और ज्यादा आई कि अब खोलेंगे से कुछ ही देर पहले उन्होंने धाम शब्द हटा दिया है। नहीं, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में जाकर और इनको ठीक इसको है रुकवाएंगे। ठीक है, इस तरह की चलिए ब्रांच, वक्त की कमी भगवान है। की ब्रांच और ठीक फ्रेंचाइजी है नहीं होने देंगे। ठीक है।